नमस्कार, वेब दुनिया के ज्योतिष सेक्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु के बारे में। राहु, जैसा कि आप जानते हैं, शनि के बाद सबसे प्रभावशाली यदि कोई ग्रह होता है तो वो होता है राहु। राहु का इसलिए भी महत्व है क्योंकि यह दैत्य ग्रह है और शनि के बाद सर्वाधिक परेशान करने वाला ग्रह है। राहु इसलिए भी अधिक खतरनाक हो जाता है क्योंकि यह दो भागों में विभाजित होता है, पहला राहु और दूसरा केतु। यह राहु के ही दो रूप हैं। दो रूप होने के कारण यह सबसे खतरनाक और सबसे अधिक परेशान करने वाला ग्रह बन जाता है। मित्रों, एक विशेष खगोलीय घटना जो कि 29 जनवरी 2016 को 11:44 पर राहु सिंह राशि में प्रवेश करेगा, साथ ही केतु भी कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। आइए मित्रों, जानते हैं इसका आपकी राशि पर क्या विशेष प्रभाव होने जा रहा है। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए यह राहु का गोचर पांचवा रहेगा जो कि शुभ माना जाता है। यह आपको शिक्षा संतान पक्ष से उन्नति दिलाएगा, परंतु कुछ चिंताएं भी देगा। वृषभ राशि के लिए राहु का गोचर चौथा है जो कि सबसे अधिक घातक होता है। माता पिता, मकान, वाहन की चिंता बनी रहेगी, सुख में भी कमी आएगी। मिथुन राशि के लिए यह राहु का गोचर तीसरा रहेगा जो आपकी राशि को यश, कीर्ति और बल प्रदान करेगा। भाग्य में भी वृद्धि होगी, उन्नतिदायक रहेगा। कर्क राशि के लिए राहु का यह गोचर द्वितीय रहेगा जो कि आपके धन की वृद्धि करेगा, परंतु केतु आपके स्वास्थ्य को अस्वस्थ कर सकता है, परंतु शत्रुओं पर आपको विजयी दिलाएगा। सिंह राशि पर राहु का प्रथम गोचर आपको कुशाग्र, मितभाषी, चालाक किंतु कभी कभी आपको नीचा दिखाएगा। प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा। कन्या राशि के लिए यह गोचर 12वां रहेगा जो कि कई यात्राएं करवाएगा, शत्रुओं पर विजयी बनवाएगा, चिंता कष्ट एवं मन मुटाव करवा सकता है। इस राशि से राहु का 11वां गोचर रहेगा जो अचानक आय दिलवाएगा। यह आपके लिए बहुत अच्छा समय होने जा रहा है, रुके हुए काम बन जाएंगे। केतु भी कुल की उन्नति दिलवाएगा। इस राशि से 10वां राहु व्यापार में वृद्धि एवं फेरबदल करवा सकता है। कहीं दूर व्यापार के लिए जाना पड़ सकता है। आपके माता पिता के लिए भी यह राहु कष्टदायक हो सकता है। इस राशि से राहु का 9वां गोचर रहेगा जो कि आपको ध्यान, योग, धर्म एवं भाग्य की वृद्धि करवाएगा। यश, सम्मान, बल मिलेगा, शुभ समाचार प्राप्त होंगे। इस राशि से राहु का 8वां गोचर रहेगा जो कि स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं दे सकता है। दुर्घटनाएं एवं अनावश्यक यात्राओं से बचें, खर्च पर लगाम लगाएं। इस राशि से राहु का 7वां गोचर वैवाहिक साथी से प्रेम संबंध करवाएगा किंतु चिंताएं भी देगा तथा संबंधों के साथ साथ त्वचा तथा गुप्त रोग भी दे सकता है। इस राशि से 6ठा गोचर आपको शत्रुओं पर विजय दिलवाएगा और काफी खर्च भी करवा सकता है। यात्राओं के काफी योग बनेंगे, इन यात्राओं से बचें, व्यर्थ विवाद से भी बचें। इस अंक के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी विषय पर चर्चा होगी। नमस्कार।